नमस्कार बंधुगण, आज पंचायतराज AEE सिविल रो डे 30। तो आज मुझे टॉप 10 क्वेश्चन, तो आसतु आज क्वेश्चन सीरीज आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर 1 हूँ आपंकर इंजीनियरिंग मेकानिक्स रु द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर ए इनलास्टिक बॉडी पाई तार वैल्यू के, तो तार वैल्यू हूँ आपंकर 0। से भाला 2 नंबर क्वेश्चन हूँ आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल व्हाट आर द एजम्पशन इन ए बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो एजम्पशन नियाई तार एजम्पशन गुड़ा हूँ आपंकर मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक होमोजेनियस एंड इलास्टिक। सेकेंड हूँ यंग मॉडुलस इज सेम बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन। थर्ड एजम्पशन हूँ आपंकर क्रॉस सेक्शन इज सिमेट्रिक प्ले अफ लोडिंग। से भाला थर्ड हूँ आपंकर स्ट्रक्चरल एनालिसिस रु मेथड टू ड्रॉ ILD। आसतु देखा, तो आसतु देखा फॉर एनी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन, जदि आप स्ट्रेट लाइन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी एवं फॉर एनी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर ILD ऑफ एनी स्ट्रेस फंक्शन कैन ड्रोन बाय आपंकर क्रिटिकल पॉइंट मेथड एवं मुलर ब्रेसलर प्रिंसिपल द्वारा आम फाइंड करू। से भाई आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आपंकर कंक्रीट स्ट्रक्चर रु मिनिमम डायमीटर आपंकर कलम रेत आम रेक्टांगुलर कलम और स्क्वायर कलम केत नंबर बार यूज करवा। आसत देखा, तो आम मिनिमम डायमीटर कलम आम नहीं था 12 mm एवं आम रेक्टांगुलर कलम मिनिमम बार 4 नहीं था एवं सर्कुलर पर 6 नहीं था। से भाला नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आप स्टील स्ट्रक्चर रु ह्वाट इज UBT एवं ह्वाट इज LBT। UBT हूँ आपंकर अपर बाउंड थ्योरम, तो यार माने हूँ लोड डिटरमाइंड बाय एज्यूमिंग मेकानिज्म दैट विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कोलाप्स लोड, ताकु आमे अपर बाउंड थ्योरम कही था। यही थ्योरम आमर सैटिस्फाई कर था इक्विलिब्रियम कंडीशन और मेकानिज्म कंडीशन को सैटिस्फाई कर था। नेक्स्ट हूँ आपंकर LBT हूँ आपंकर लोअर बाउंड थ्योरम, यह हूँ आप लोड डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एनी कोलाप्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एट व्हिच बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन लेस देन इक्वाल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ए प्लास्टिक सेक्शन को आम लोअर बाउंड थ्योरम कही था। यही थ्योरम को सैटिस्फाई कर इक्विलिब्रियम कंडीशन रो यील्ड कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आपण मानक फ्लूइड मेकानिक्स रु आम जो कन्वेक्टिव और टेम्पोरल एक्सीलरेशन नहीं था ता स्टेडी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू। आसतु देखा, जितने आम टाइप ऑफ फ्लो स्टेडी आउ यूनिफॉर्म होते आम कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन और टेम्पोरल एक्सीलरेशन 0 होता है। जितने आम स्टेडी आउ नॉन यूनिफॉर्म होते आम कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन स्टेडी एक्जिस्ट कर किंतु नॉन यूनिफॉर्म फ्लो टेम्पोरल एक्सीलरेशन 0 रही है। आपंकर अनस्टेडी आउ नॉन यूनिफॉर्म अनस्टेडी माने आपंकर टाइम रो एक्जिस्टेंस रोइबो सेति पय टेम्पोरल एक्सीलरेशन आमर रहइबो किंतु आमर यूनिफॉर्म होइथियो जो वेलोसिटी कांस्टेंट रहइबो सेति पय आमर कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन 0 रहइबो। सेबेले आपन जेतरे अनस्टेडी आ नॉन यूनिफॉर्म थिबो सेतरे आमर वेलोसिटी वेरिएशन भी हेबो एवं टाइम सहित वेरिएशन भी हेबो, ताहेले आमर बोथ कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन भी रहइबो आउ टेम्पोरली एक्सीलरेशन भी रहइबो। सेबेले नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि आपनकर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग रु आपनकर मार्स सोइल आ लोम सोइल कोन आसंतु देखिबा। आपनकर मार्स सोइल होउछि फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ बोन्स एंड सेल मास ऑफ ए एक्वाटिक प्लांट, यह आम माराइन में देखी था यही सोइल एक गोटे टाइप ऑफ आम ट्रांसपोर्टेड सोइल। नेक्स्ट हूँ आपंकर लम सोइल, लम्स हूँ आपंकर मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले, यह आम टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोइल। नेक्स्ट हूँ आपण मानक इरिगेशन इंजीनियरिंग रु तो व्हाट इज ए क्रॉस ड्रेनेज वर्क एवं टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क कौन आसतु देखा। क्रॉस ड्रेनेज वर्क हूँ आपंकर व्हेन इरिगेशन कैनाल इज इंटरप्टेड बाय ड्रेन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस ओवर ए कैनाल सम सुइटेबल स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड, ताकू आम क्रॉस ड्रेनेज वर्क कही था। तो क्रॉस ड्रेनेज फर्स्ट द इंजीनियरिंग वर्क्स कंस्ट्रक्टेड क्रॉस द कैनाल बाय ड्रेन इज कॉल्ड आम क्रॉस ड्रेनेज वर्क कही था। तो क्रॉस ड्रेनेज आपंकर एग्जाम्पल गुड़ाक हूँ सुपर पासेज एक्वाडक्ट लेवल ऑफ क्रॉसिंग यही सब होता है। से भाला नेक्स्ट हूँ आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग रु आपंकर कंफर्ट कंडीशन लेंथ ऑफ होली कर्व केते हेबो आसंतु देखिबा। तो कंफर्ट कंडीशन आम LV इक्वल टू 2 × LT नहीं था, LT रो वैल्यू हूँ रूट ओवर NVQ डिवाइड बाय C आम नहीं था कंफर्ट कंडीशन 0.6 m/s³। तो आपंकर लेंथ ऑफ वैल्यू क्यूर फॉर्मूला हम 0.38 रूट ओवर N × VQ। से भाला आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ सर्वे रु द
तो आपणकर सेडल पॉइंट कौन आवरहैंगिंग क्लीप कौन आसतु देखा तो सेडल पॉइंट हूँ आपणकर कंटोर लाइन इज इंटरसेक्ट वैली लाइन अन् रिज लाइन एट 90 डिग्री ताकु आम सेडल पॉइंट कही था से आपरहैंगिंग लाइन हूँ देर आर सम एक्सेप्शन इट सीम्स लाइक ए कंटोर लाइन आर इंटरसेक्ट जदि इंटरसेक्ट कर इच अदर एंड दे आर मीटिंग एट ए वन पॉइंट तो ताकु आम ओवरहैंगिंग क्लीप कही था। आज टॉप 10 क्वेश्चन पंचायत राज डबल सिविल रो एटी समाप्त होशा करुच्छे आज क्वेश्चन सीरीज आपण भल लगे भल लगे मो चैनल जॉब का नाशा को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ एवं जो बेल घंटी अच्छी ताकु बजातु तो आप डेली नोटिफिकेशन पाइपर मो भिडर एवं आपण बंधु मान सहित सेयार करूँ। धन्यवाद। जय हिंद।